जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन, कल रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। छियासी साल की उम्र में टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने दुनिया को कहा अलविदा, उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर। 28 दिसंबर 1937 को हुआ था रतन टाटा का जन्म। टाटा संस ने कहा उनके अतुलनीय योगदान न सिर्फ टाटा सामूहिक बल्कि देश के मूल ढांचे को भी आकार दिया। रतन टाटा के निधन की खबर सुनते ही ब्रिज कैंडी अस्पताल में लगा जाने माने हस्तियों का तांता। उद्योगपति मुकेश अंबानी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वो दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, लिखा उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, कहा उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा एक अनमोल रत्न नहीं रहे, उनको देखकर लोगों में ऊर्जा और प्रेरणा आती थी। मुकेश अंबानी ने कहा मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया, रतन टाटा का निधन न केवल टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा वो भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता था। कांग्रेस ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, लिखा उनकी ईमानदारी और करुणा कॉरपोरेट उद्यमियों और भारतीयों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। ममता बनर्जी ने भी जताया शोक, ट्वीट कर लिखा रतन टाटा का निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी जताया दुख, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर कोलाबा में उनके घर पर लाया गया, दुनिया भर के जाने माने लोग दे रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि। प्रतापगढ़ के सीओ जियाउल हक हत्याकांड के सभी दोषियों को उम्र कैद, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 19,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक में चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के गाजीपुर में अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा ट्रक, हादसे के बाद ट्रक में लग गई आग, ड्राइवर और उसके सहयोगी को गांव वालों ने सुरक्षित निकाला बाहर। लखनऊ में बिजली के सामान के गोदाम में लगी आग, लाखों के नुकसान की बताई जा रही आशंका, हालांकि कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा के राजपुर कला गांव में खुदाई के दौरान निकला खजाना, करीब 18 से 20 किलो वजन के सिक्के और गहने मिले, जांच में जुटा पुरातत्व विभाग।
बहराइच में चोरी के आरोप में तीन बच्चों का सर मुंडवाकर मुंह पर काली पोत कर गांव में घुमाया गया। पुलिस ने तीन दबंगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे पर किया हमला। मासूम की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 40 फीट नीचे खाई में गिरी बस, ब्रेक फेल होने के चलते हुआ ये बड़ा हादसा। लड़की बहन योजना कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे यात्री। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक ड्राइवर ने टोल कर्मी को कुचला, घटना के बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भागा, टोल कर्मी की मौके पर गई जान। ओडिशा के ढेंकनाल में निर्माणाधीन इमारत ढह गई, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विस्तारक की लंदन से दिल्ली आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में सुरक्षित हुई लैंडिंग। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप के गोदाम में लग गई भीषण आग, दूर तक फैली आग के लपटे, आसमान में उठता दिखाई दिया धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा, तुरंत ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को रवाना किया गया। आज से 2 दिनों के लाओस के दौरे पर पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। October 20 को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं की देंगे सौगात। सिगरा में बने पूर्वांचल के पहले हाईटेक इंडोर स्टेडियम का भी देंगे तोहफा। October 12 को हरियाणा में सीएम का हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, पंचकुला के परेड ग्राउंड में समारोह। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं शामिल। चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, अर्धसैनिक बल, एयरफोर्स और रेलवे का जताया आभार, चुनाव संपन्न करवाने में योगदान के लिए सराहा। यूपी चुनाव के लिए एसपी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए। अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट। जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रदर्शन की इजाजत की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई। लेबनान बॉर्डर के पास हाइफा में हिजबुल्लाह ने दागे 10 रॉकेट, इसराइल की सेना ने सभी को हवा में ही मार गिराया। इसराइल का दक्षिण लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दावा, मिलिट्री ने जारी किया इसका एक वीडियो। बेंगलुरु में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, गवर्नर थावरचंद गहलोत और सीएम सिद्धारमैया से की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा वो बहुत स्मार्ट है, मोदी मेरे दोस्त हैं और सबसे अच्छे इंसान भी हैं। टैंपा बे में तूफान की दस्तक से पहले घर खाली कर रहे हैं लोग, सुरक्षित जगहों पर जाकर ले रहे हैं शरण, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। बर्लिन में लाइट फेस्टिवल का आयोजन, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा शहर, भारी संख्या में लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया अवार्ड, डेविड बेकर, डेनिस और जॉन एम जंपर को दिया गया सम्मान।
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच से केन विलियमसन बाहर, 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है सीरीज। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच खेल सकती है टीम इंडिया। 22 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए 2 हफ्ते पहले रवाना होंगे खिलाड़ी। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत को जापान के खिलाफ 1-3 से मिली हार, भारतीय महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बारह अक्टूबर को वियतनाम और भारत में फ्रेंडली फुटबॉल मैच, लेबनान के त्रिराष्ट्र मैत्रीपूर्ण टूर्नामेंट से हटने के बाद मुकाबला। आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हुई पीवी सिंधु, मालविका ने प्री क्वार्टर में बनाई जगह। आर्कटिक ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अगले राउंड में थाईलैंड की पूर्व विश्व चैंपियन से भिड़ेंगे। जयपुर में फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट रही मौजूद, 1 नवंबर को रिलीज होगी ये मूवी। नवंबर में वॉर 2 के क्लाइमेक्स की शूटिंग करेंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर मुंबई में शूट होगा सीक्वेंस का एक हिस्सा। जिगरेवेंट में आलिया भट्ट ने गाया गाना, समंथा रुद्र प्रभु को बताया हीरो, फिल्म प्रमोट करने के लिए जताया आभार। पिता मुकेश गौतम को नेशनल अवार्ड मिलने पर भावुक हुई यामी, बोली सबको आप पर है गर्व। दिग्गज मलयालम अभिनेता टीपी माधवन का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।